हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी और आप देख रहे हैं लीव लाइफ इज सजावट। तो ये मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो देख लीजिए क्या दिया है। गैस स्टोव 4 बर्नर फेवर ब्रांड का है ये। और अगर मैं पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग बहुत बहुत अच्छी है, बट मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि जो टॉप कोट है वो ग्लास का है। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर जो कि वो ग्लास है वो टूट जाता है, और जब टूटता है भयंकर रूप से टूटता है। तो बस इसी चीज़ का मुझे डर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने स्टील गैस स्टोव के साथ खुश हूँ, बट अब मुझे ये मिल गया है और देखने में इतना खूबसूरत है कि मेरा मन तो कर रहा है फटाफट से लगा लो। और स्टील का थोड़ा पुराना भी हो गया है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैं इसे अभी लगवा लूँगी और बस आप देख लीजिए कुछ इस तरह का है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बस वही एक डर है जैसे मैंने आपको बताया था जो ग्लास चटक जाता है उसका। बहुत भारी है तो लगाना तो हमसे नहीं आएगा। तो हमने अपना पुराना वाला गैस स्टोव हटा दिया है, न्यू रख दिया है, और अब हम पाइप लगाएंगे इसमें। तो इनको लग रहा था कि ये नहीं लगा पाएंगे, बट मैंने कहा नहीं, सिंपल है, जैसे कि हम पुराने वाले में लगाते थे बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। तो बस ये लगा रहे हैं। और मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, तो अब मैं पूजन करूँगी। जैसे कि हमारे घर में कोई भी न्यू चीज़ आती है तो मैं या सासू माँ या फिर मेरी बेटी कोई भी इनका पूजन कर देता है। तो जब लास्ट टाइम हमारे यहाँ पर वॉशिंग मशीन आई थी तो मेरी बेटी ने पूजन किया था, अभी मैं पूजन कर रही हूँ। वैसे वो बोल रही थी कि मैं पूजन करूँगी, बट मैंने कहा किचन में मैं रहती हूँ, कुकिंग मैं करती हूँ, तो पूजन भी मैं ही करूँगी। इसीलिए तो यहाँ मैं साथिया बना रही हूँ। गैस स्टोव की पूजन हो चुका है और अब मैं सोच रही हूँ मैं इस पर क्या बनाऊँ मीठे में। तो मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, और 1 कप मैंने सूजी ली है, 1 कप देसी घी लिया है, आधा कप देसी घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और इसमें मैंने सूजी ऐड कर दी है। इसे मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भूना है। जब सूजी अच्छे से भुन जाएगी इसमें मैं ऐड करूँगी 3 कप पानी। तो ये देखें पानी ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके मैं ढक दूँगी और 1 मिनट तक इसे मैं मीडियम गैस पर पकाऊँगी। तो ये देखिए सूजी हमारी पक चुकी है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप चीनी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा फिर ढककर पकाऊँगी कुछ सेकंड। तो ये देखिए कुछ इस तरह की हो जाएगी। आधा कप देसी घी जो मैंने छोड़ा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। 30-40 सेकंड तक मैं इसे और पकाऊंगी। मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करे हैं, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। मेरे घर में कोई भी ड्राई फ्रूट्स हलवे में या खीर में नहीं खाता है, तो मैं सिंपल ही रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालूँगी भगवान के लिए, भोग के लिए अपना सूजी का हलवा। तो ये मैंने भगवान के लिए भोग निकाल लिया है, ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी। और ये दूसरी प्लेट है आप सबके लिए, बहुत ही टेस्टी हलवा बना था, दानेदार है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है।
तो ये लीजिए, आप भी सूजी का हलवा टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। तो मिलती हूँ गाइस एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।